जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और कर्नाटक वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। छुटिए, डरिए मत, राहुल जी कहते हैं ना कि डरो मत। कांग्रेस का एक एक सिपाही अलग ऐलान कहना शुरू करेंगे, नहीं हम इन फासिस्ट ताकतों के पुलिस के डंडे से नहीं डरेंगे, तुम्हारे यूएपीए से नहीं डरेंगे, तुम्हारे जुल्म से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हमारी हमारी परवरिश जो है वो पंडित नेहरू मौलाना आजाद से लेकर के और राजीव जी और इंदिरा गांधी तक हुई है, हम डरेंगे नहीं। क्या मत समझना, डराने से डर जाएंगे। आप बहुत थके हैं, मैं जानता हूँ पिछले 4-5 घंटे से आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं थका हुआ बेंगलोर नहीं देख सकता, मुझे जिंदा दिल बेंगलोर चाहिए, मुझे जोश और जज्बे वाला बेंगलोर चाहिए। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हाथों से गुजर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हाथों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मल्लिकार्जुन जी किसी दिन मोदी जी से कह दीजिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ रहा, मैं दिल्ली में पार्लियामेंट के आसपास भी खड़ा होकर के इसी आवाज के साथ बोलता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे दुआएं दी हैं, आपने मुझे इमरान बनाया है, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलूंगा कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। तैयार रहिएगा चौथे मिसरे पे, पहुंचाइएगा दिल्ली तक। के आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो के दुश्मन हो तुम। लेकिन अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, जो हमें अन्न देता है वो किसान, के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, मोदी जी एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कांग्रेस
कहा कि बताइएगा मत, जो बताइएगा ये उसको भी बेच देंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ बेचने का है। मत बताइए, ये बेचने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी साहब, कांग्रेस ने 70 साल में इतना कुछ बनाया है कि आप पिछले 7.5 साल में बेचते बेचते थक गए, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। इतना कुछ बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, इस देश को कांग्रेस ने बनाया है। सवाल उठाने वालों, मैं बताता हूँ कांग्रेस ने क्या दिया। कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। अरे तो कांग्रेस का झंडा है, आखिरी दो लाइनें, और यहां से लेकर के वहां तक कांग्रेस का कोई भी सिपाही इसके एहतराम में, ये जो 3 रंग है इस झंडे में, इन 3 रंगों को मैं अपने एक मिसरे में शामिल करता हूँ। यहां से वहां तक एक आदमी तैयार रहेगा जो मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ। क्या हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बहुत मुबारकबाद जब्बार साहब।